बाबा साहब अक्सर कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने हमेशा वंचित समाज से शिक्षित बनने का आह्वान किया। बाबा साहब की बात बहुजन समाज ने समझी भी है। दलित भूखे पेट रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मनुवादी आए दिन नई नई साजिश रच बहुजन बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ताजा मामला यूपी के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में दाखिला लेने वाले दलित छात्रों का है। इन कॉलेजों में दाखिला लेने पर केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी जो यूनिवर्सिटी द्वारा चल रही स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग में शामिल होंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ SC ST छात्रों पर ही लागू है। जिन दलित छात्रों ने सीधे कॉलेजों में दाखिला ले लिया है, अब उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जा रहा। इससे कई दलित छात्र अपनी फीस नहीं भर पा रहे, नौबत नाम कटने तक की आ गई है। मनुवादी चाहते ही नहीं कि दलित बच्चे कहीं पढ़ लिख कर अफसर बने, इसलिए नई नई साजिश रचते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।